हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके हैं प्लेसेस इन न्यूज़, जो कि पिछले 8-10 महीनों में जो प्लेसेस न्यूज़ में रहे हैं उनका एक रैपिड रिवीजन। ये हम तेज़ी से करेंगे, आइए शुरू करते हैं। देखिए, जून 2021 में जो है इंडियन नेवी और यूरोपियन यूनियन की जो नेव फोर्स है उनके बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई, जो पहली एक्सरसाइज थी। ये हुई थी कहाँ पर? गल्फ ऑफ एडन में। नेक्स्ट देख लेते हैं, जून में ही जो है यूएस के जो है बिडेन और व्लादिमिर पुतिन रशिया के, इनके बीच में एक समिट लेवल मीटिंग हुई थी, वो हुई थी जेनेवा में। अभी रिसेंटली जो है दुनिया का तीसरा बड़ा सबसे डायमंड खोजा गया था, वो निकला है कहाँ पे? ज्वाइनिंग माइन, ये कहाँ पर है? बोत्सवाना में। बोत्सवाना एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर ही है। एक सिंगन या कन्नली लेक है जो कि यहाँ लंका एक आउटस्कर्ट है बेंगलोर का। वहाँ पर अभी वहाँ पर जो है उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर्नाटका ने डिसाइड किया कि वो 6,000 से ज़्यादा पेड़ कट करेंगे। देखिए, राजपरवा फेस्टिवल, ये राजपर्व फेस्टिवल मनाया जाता है आपके उड़ीसा में। इसमें क्या होता है कि ये वुमेनहुड ऑफ मदर अर्थ को सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें ये इन्हें लगता है कि मदर अर्थ मेंस्ट्रुएट करती हैं और फ्यूचर की एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए या मानसून आने वाला है इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। जो जर्दालू मैंगो है, जब यूके को हमने एक्सपोर्ट किया, ये बिहार के भागलपुर में प्रसिद्ध हैं। देखिए, G7 समिट 2021 का कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था इंग्लैंड में, और जो जगह थी वो थी कॉर्नवाल। अभी पहली कंट्री एल सल्वाडोर बन गई जिसने बिटकॉइन को ऐसा लीगल टेंडर घोषित कर दिया है। देखिए, सोलर पावर्ड बिटकॉइन की माइनिंग शुरू होने वाली है वो यूनाइटेड स्टेट में। इंडिया का पहला विलेज जिसने अपने सारी एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया COVID-19 के अगेंस्ट, वो है आपका वेयान। ये बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट है, JNK में वहाँ का है। अभी ग्रेट बैरियर जो रीफ है उसे इन डेंजर बताया गया है रिसेंटली, मतलब रिकमेंड किया गया है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में। अभी इज़राइल आर्म फोर्स ने मई के मंथ में एक फेमस मॉस्क को रेड किया था, वो थी अल अस्का मॉस्क, ये जरूशलेम में, और ये इस्लाम में थर्ड नंबर की इम्पोर्टेंट मॉस्क है। अभी नाटो ने एक अपनी डिफेंडर यूरोप मिलिट्री एक्सरसाइज की थी नाटो ने, वो कहाँ पर हुई थी? वो थी अल्बेनिया में। जो डिफेंडर एक्सरसाइज है वो उसमें यूएस आर्मी यू के बाकी नाटो देश हैं उनके साथ मिलकर के करती हैं। ऑक्सीजन ऑन व्हील, जब कोविड की सेकेंड वेव थी तो एक स्टेट ने ऑक्सीजन ऑन व्हील चालू की थी ऑक्सीजन की सप्लाई को बरकरार रखने के लिए, वो था करनाल डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा में। इंडियन आर्मी ने अपनी पहली बीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट लगाया है सिक्किम में, वो इंडियन आर्मी का प्लांट रहेगा। इसके अलावा उड़ीसा ने जो है अपने फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स में जर्नलिस्ट को भी जगह दी है। दुनिया का सबसे बड़ा पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज जो है उसका नाम है अरौका, वो कहाँ पे बना है? पुर्तगाल में। इसके अलावा कौन सा स्टेट है जिसने फॉरेस्ट पॉन्ड बनाना शुरू किया है ताकि वो रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सके? वो है हिमाचल प्रदेश। अभी एक स्टेट ने और स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है अरविंद सोसाइटी के लिए, वो है त्रिपुरा। अभी इंडिया में जो है पहला मेगा फूड पार्क लगा है मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में, किसकी मदद से? इटली की मदद से। किस गवर्नमेंट ने अपना हर घर जल का जो टारगेट है वो 2022 तक कंप्लीट करने के लिए बोला है? वो है पंजाब। बिहार ने कब किया आप कमेंट करके बताएं। इसके अलावा जगन विद्या देविना स्कीम, इसके तहत आंध्र प्रदेश जो है अपने ऐसे स्टूडेंट को जो कि फाइनेंशियली जिनके पास काफ़ी बर्डन है और वो हायर स्टडी करना चाहते हैं लेकिन पैसे से नहीं कर पाते, तो उनके लिए स्कीम चालू की है। इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया ने 81 करोड़ रुपये दिए हैं। महाराज छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर अभी खुला है कहाँ पर? खजुराहो में। महाराज छत्रसाल, जिनके बारे में भी फेमस था कि तेरी बड़छीने हैं खलन के। बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे लग रहा है? तेलंगाना में। ऐसा स्टेट जिसने हेल्थ इंश्योरेंस, जो यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू की है सबके रेजिडेंट के लिए, पूरे रेजिडेंट के लिए, वह है राजस्थान, फर्स्ट स्टेट बन गया। और इंडिया का पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसने अपना म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी किया, वह है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट कहाँ पर आई है हमारे इंडिया में? वो है महाराष्ट्र में, छोटा चारधाम, जो कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। जाइलोफिस दीपकी, ये एक सांप का नया प्रजाति है, ये एंडेमिक है तमिलनाडु में।
इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट ने एक टेली मेडिसिन फैसिलिटी कोविड पेशेंट के लिए चालू की थी, आयुर्वेदिक थी वो टेली मेडिसिन एक फैसिलिटी। देखिए शाहीन वन एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, और शाहीन नाम से पता चल जा रहा है पाकिस्तान की है। अभी नागालैंड के जो है 3 इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया था 1 साल के लिए जो पीस सीज फायर एग्रीमेंट था उसको। अभी जो गिल्लू मारो लस्सो है ना, इन्हें गिल्ली मारो लस्सो जाल बोल लीजिए, और गिल्ली मारो लस्सो जो भी बोलने बोलिए, वो प्रेसिडेंट चुने गए हैं इक्वाडोर के। पुडुचेरी में प्रेसिडेंट रूल लगा था, खैर ये अभी इम्पोर्टेंट है नहीं। पहली सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जिसने मलेरिया फ्री स्टेटस पा लिया है, अचीव कर लिया, वो है एल सेल्वाडोर। इसने भी अभी लीगल टेंडर दिया था बायो बिटकॉइन को, फर्स्ट कंट्री ये बन गई थी। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ बन रहा है, वो है सिंगापुर में। और इंडिया की बात करें तो फ्लोटिंग सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कहाँ पर बन रहा है, वो है तेलंगाना में। एक स्कीम है सामर है ना, ये है स्ट्रेटजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनेमिक एनीमिया रिडक्शन, ये झारखंड सरकार ने चालू किया है। इसके अलावा हमारे बिहार सरकार ने जो है एलईडी 10 रुपये में है ना एक ग्राम उजाला स्कीम शुरू की है ग्रामीणों के लिए। पहला स्टेट है ना जिसने बायोफ्यूल नेशनल पॉलिसी बायोफ्यूल के अंतर्गत एक इथेनॉल की प्रमोशन पॉलिसी लागू की है, वह बिहार। किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अपना गवर्नमेंट रन एनिमल एम्बुलेंस नेटवर्क, वह है आंध्र प्रदेश। ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम के लिए जो है नेशनल ऑनर मिला है किसको, केरला को। ये पीडीएफ आपको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर लेंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए कर्नूल एयरपोर्ट को अभी कहाँ 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 किस स्टेट में वो किया गया है शुरू, वो है आंध्र प्रदेश। कर्नूल जो था ना आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी था 1953 से 56, जब नया नया आंध्र प्रदेश बना था तो कर्नूल ही इसकी कैपिटल थी, 3 साल तक रही थी। आईलैंड अपने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है नागालैंड ने, आईलैंड। अभी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो है ट्रेन नई पैसेंजर ट्रेन शुरू हुई थी मार्च में, अनाउंस की थी वो थी ढाका और जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। इंडस कमिश्नर इंडिया और पाकिस्तान की दोनों की मुलाकात हुई थी नई दिल्ली में। मैन हॉकी वर्ल्ड कप जो है 2023 में कहाँ पर खेला जाएगा, इंडिया में। इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन का वर्ल्ड कप इंडिया में, न्यू दिल्ली में। वही मैंने आपको बताया ना यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ये राजस्थान ने शुरू की, पहला स्टेट बन गया जिसने अपने सारे रेजिडेंट्स को इंश्योरेंस के अंदर ला दिया। CDRI जो इंडिया ने CDRI बनाया था, जो कि आपका कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको EU ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। किस देश की पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया है ताकि यूथनेशिया को लीगलाइज कर दिया जाए, वो है स्पेन। अभी 121वां मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कौन बना है, वो है इटली, मार्च 2021 में। और पैसेक्स एक्सरसाइज बहरीन के साथ हुई, रॉयल बहरीन फोर्स के साथ। देखिए अभी इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वहाँ पर वाटर सप्लाई और सीवरेज के नेटवर्क को डेवलप करने के लिए मालदीव के साथ। कौन सी कैपिटल सिटी जो है मोस्ट पोल्यूटेड है, वो है न्यू दिल्ली। और अगर कंट्री की बात करें तो वह है बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, फिर इंडिया थर्ड नंबर पे। ये वर्चुअल समिट ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इप्सा वुमेन की मीटिंग को हेल्ड किसने किया था, इंडिया ने। इसके अलावा M46 ये जो गन्स हैं और टम्पेला मोटार्स हैं, ये भी डिकमीशन हो गई इंडिया से, कहाँ पर हुई है, महाराजा फील्ड रेंज राजस्थान। इंडियन फर्म ने साइन किया है एक MOU टाइप का कि हम कॉपरेट करेंगे 5G और 4G 6G टेक्नोलॉजीज के लिए, किस कंट्री के फर्म्स के साथ, फिनलैंड के साथ। एक MOU साइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने कि आगे हम कॉपरेशन करेंगे यूथ डेवलपमेंट में, वो है इंडिया और मालदीव के बीच में। अभी इंडिया की पार्लियामेंट ने जो है एक पार्लियामेंट फ्रेंडशिप ग्रुप बनाने की बात की है ताकि हम बायलेटरल रिलेशन अनाउंस कर सकें, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए किस कंट्री के स्टॉक अभी मतलब सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में है, अभी आप भी देख लोगे सेंसेक्स ने 60,000 भी क्रॉस कर दिया, तो वे इंडिया है। अब इंडिया ने जो है 1,000 मेट्रिक टन राइस भेजा था कहाँ पर, कोमोरोस आइलैंड में। कोमोरोस आइलैंड बेसिकली इंडियन ओशन में है। किस शिप से भेजा था, उसका नाम था जलाश्व। देखिए 63rd ग्रैमी अवार्ड
कहाँ पे दिए गए? लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स सदर्न कैलिफोर्निया में है, यूएस में है। अभी जो है प्रेसिडेंट ने वनवासी समागम एड्रेस किया था। वनवासी समागम कहाँ हुआ था? सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। इंडिया ने जो है ट्रेनिंग एड और नेवल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो है कई सारे एड दिए, किसको? श्रीलंका को। शत्रुंजय हिल में भी आग लग गई थी, वो कहाँ पर है? भावनगर गुजरात में। काला नमक राइस फेस्टिवल ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये शुरू हुआ था साबरमती आश्रम गुजरात से। और मिथाली राज ने जो है लखनऊ में ही मैच हुआ था। मिथाली राज ने पहली महिला बन गई थी जिन्होंने 10,000 रन स्कोर किए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। एकाना स्टेडियम लखनऊ का, वहाँ पर। और इन्होंने किसके अगेंस्ट मारा था? साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। झारखंड जो है दूसरा राज्य बन गया है जिसमें 75% प्राइवेट सेक्टर जॉब अपने लोगों के लिए, जिसमें रेजिडेंस की ज़रूरत होगी, वो बना दिया है। पहला राज्य कौन था आप मुझे कमेंट करके बताएं। संगे वॉल्केनो ये बेसिकली इक्वाडोर में है। अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट ये किस स्टेट से रिलेटेड है? ये उत्तर प्रदेश से। ये भी यूपी पीछे और बिहार पीछे दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर। अभी जो है सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर जो कि पब्लिक रोड पे हैं उनको हटा दिया जाएगा, चाहे वो हिंदू धर्म के हो चाहे मुस्लिम धर्म के हो। ये फैसला कहाँ लिया गया? उत्तर प्रदेश में। योगी जी ही इतना तगड़ा फैसला ले सकते हैं, ये तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो 69 थी वो भुवनेश्वर में हुई थी उड़ीसा में। आईएनएस करांज जो है वो कमीशन किया गया कहाँ पे? नेवल डॉकयार्ड मुंबई में। देखिए ब्रिक्स का कांटेक्ट ग्रुप में जो है मीटिंग हुई पहली इकोनॉमिक और ट्रेड इश्यूज से रिलेटेड, वो कहाँ पे हुई? इंडिया में। कौन सी यूटीआई स्टेट है जो देशभक्ति बजट पेश किया? ऐसी नौटंकी कहाँ होती है? अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। मैत्री सेतु जो है अपना इंडिया और बांग्लादेश को जोड़ेगा, और इंडिया के कौन से स्टेट को जोड़ेगा? वो है त्रिपुरा। किस बैंक ने लोन स्कीम जो है विकास आशा वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए शुरू की? वो थी कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। विकास आशा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। बामियान बुद्धा है ना, हमें पता है। अफगानिस्तान। वायरस पासपोर्ट नाम से पता चल जा रहा है, चाइना। इसके अलावा दस्तलिक, दस्तलिक इंडिया ने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की दस्तलिक उज्बेकिस्तान के साथ। और किस कंट्री ने जो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की ताकि वो अपने स्पेस के एसेट को यानी सेटेलाइट को अटैक से बचा सके? वो थी फ्रांस। ये अच्छा क्वेश्चन है। दस्तलिक एक्सरसाइज कहाँ पे की गई? रानीखेत उत्तराखंड में। और रानीखेत को जो है एक फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर भी बनाया जा रहा है, पहला देश का फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? रानीखेत में। रानीखेत में दस्तलिक एक्साइज भी इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। अभी फेस कवरिंग जो हिजाब विजाब है उसको बैन करने के लिए रेफरेंडम हुआ स्विट्जरलैंड में। देखिए तो बजरंग पूनिया ने जो है तुलगा तुमिर उचिर को हराया था, वो कहाँ किस कंट्री के? वो है मंगोलिया के। ओलंपिक में हम सेपरेट वीडियो बना देंगे है ना, क्योंकि ओलंपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अपना बोर्ड ऑफ एजुकेशन आने वाला है वो है दिल्ली है ना, उसे सीबीएसई से पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। अभी अभी नर्मदापुरम नाम रखा गया होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का, ये कहाँ पर है? एमपी में है। ये तो बकवास क्वेश्चन है, इसके बाद देख लेते हैं। हाँ, फर्स्ट स्ट्रेटजिक एंड काउंटर टेररिज्म डायलॉग अभी पहली बार हुआ इंडिया और नाइजीरिया के बीच में। देखिए ये लोग भी बोको हराम वगैरह से परेशान हैं। टॉप परफॉर्मर इन ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, टॉप परफॉर्मर इन ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स थी इंडिया की, वह बेंगलुरु। अभी जो है किसके साथ हमने मैरीटाइम इंडिया समिट किया गया मार्च में? इंडिया ने डेनमार्क के साथ किया। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत सारे समिट ऐसे करते रहते हैं। देखिए रेड राइस है ना, पहला कंसाइनमेंट रेड राइस अमेरिका भेजा गया, तो रेड राइस कहाँ से? असम में ज़्यादा होती है। डेजर्ट फ्लैग इंडिया ने किसके साथ की? यूएई के साथ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा 75% रिजर्वेशन के लिए बिल इन्होंने हरियाणा ने भी पास करवा दिया है। राजस्थान, झारखंड हो गया, हरियाणा हो गया। देखिए सागर मंथन ये इंपॉर्टेंट है, जो सागर मंथन मर्केंटाइल मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर ये खोला गया। अब इससे किसको किसको मदद लगे? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव को। इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन रहा है? चाइना, नो डाउट।
अभी जो वुमेन इंडिया वुमेन लीग फुटबॉल, ये अभी कौन होस्ट करेगा? वो उड़ीसा करेगी। उदयपुर साइंस सेंटर, देखिए उदयपुर ये त्रिपुरा वाला उदयपुर है, यहाँ पे साइंस सेंटर, ये एक गोमती डिस्ट्रिक्ट है, गोमती रिवर भी है त्रिपुरा में, है ना, उस वो है त्रिपुरा में, जो त्रिपुर सुंदरी देवी है वो भी वहीं है। विनेश फोगाट जी ने गोल्ड मेडल जीता था महिलाओं में, और ये कहाँ हुआ था? यूक्रेन में। देखिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने पहला सर्वे जो किया है सोशल और एजुकेशनल कंडीशन ऑफ पीपल का, जो भी बैकवर्ड क्लासेस के उनका, तो वह है उड़ीसा। सारस आजीविका मेला इस बार हुआ था नोएडा हाट में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है सोशल एंड एजुकेशन क्लासेस के लिए, एक सर्वे करा रही है उड़ीसा गवर्नमेंट। देखिए लाइफ इंप्रिजनमेंट, फूड एडल्ट्रेशन, अगर आप खाने में मिलावट करेंगे तो उसके लिए आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट भी मिल सकती है, ऐसा अमेंडमेंट करके मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट लेके आ गई है। यूसुफ पठान जो थे बड़ौदा के लिए खेलते थे, उन्होंने अपना अलविदा कह दिया इंटरनेशनल क्रिकेट को, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे। खेलो इंडिया विंटर गेम जो है वो हुआ था फरवरी में, और कहाँ पे हुआ था? गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है, हमेशा से ही है, काफ़ी टाइम से है। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है कहाँ पर? अहमदाबाद में, है ना, ये सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स है और इसका नाम है मोदी जी के ऊपर, स्टेडियम का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सरदार पटेल के नाम पे है। किसको जो है अवार्ड मिला गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए? उत्तर प्रदेश। किसान सम्मान निधि में उन्होंने बहुत से किसानों को वो पैसा उनके अकाउंट में पहुंचाया। देखो ब्रिक्स शेरपा और सो शेरपा समिट हुई थी नई दिल्ली में, ठीक है, ये तो हमें पता है कि 2024 में ओलंपिक कहाँ हो रहा है, 2028 में कहाँ हो रहा है, और 2032 में। 24 में हो गया आपका फ्रांस पेरिस, 28 में हो गया आपको लॉस एंजलिस, और 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन लॉन्च हुआ है ये न्यू दिल्ली से। इसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है मेडिकल साइंसेज, ये IIT खड़गपुर में बन रहा है। उत्तर प्रदेश में जो है तीसरा जो है एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल लाइसेंस मिल गया है उसको, वो कहाँ पर हो रहा है? कुशीनगर एयरपोर्ट। अब इंडिया यूएसए की एग्जीक्यूटिव ग्रुप की मीटिंग हुई थी, वो थी न्यू दिल्ली में, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसके अलावा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, इसके लिए एक्शन लेने के लिए इस कंट्री ने जो है पहली बार आइडेंटिफाई किया कि एक्शन लेना चाहिए, वो है इंडिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पुदुचेरी से रिज़ाइन कर दिया था इन्होंने, क्योंकि कांग्रेस में हर जगह देखते हैं आप खलबली मची रहती है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है कहाँ पे होंगे? पहला एडिशन हुआ था उड़ीसा में। अभी किस बैंक को रिजर्व बैंक ने जो है अपना रेगुलेटरी परव्यू में रख दिया है? वो है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। देखिए किस स्टेट ने पहला पेपरलेस बजट प्रोवाइड किया था? वो था उत्तर प्रदेश। अभी इंडिया ने CEPA कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप और एग्रीमेंट जो है कॉपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो इंडिया ने साइन किया मॉरिशस के साथ। मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट सबको पता है अयोध्या में ही बनेगा। DRDO ने VLSR SAM मिसाइल बनाई है, लॉन्चिंग सिस्टम कहाँ से? उड़ीसा से, उड़ीसा से लॉन्च, उड़ीसा कोस्ट पे। देखिए UTF प्रोजेक्ट है ना, इंडिया ने साइन किया है हार्बर प्रोजेक्ट किसके साथ? मालदीव के साथ। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए खेलो इंडिया गेम जो है अब अगला नेक्स्ट कहाँ पे होगा? सेकेंड एडिशन कर्नाटका में। फर्स्ट मैंने आपको बताया कहाँ पे होगा, कहाँ पे हुआ था, ठीक है। अब देखिए जो पहला केस था किस कंट्री में आया? AH5N8 का, तो ये आया था आपका रशिया में। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है कमीशन हुई कहाँ से? चेन्नई तमिलनाडु से। इंटरसेप्टर, इंटरसेप्टर एक बाइक भी है। अटल पर्यावरण भवन ये बना है लक्षद्वीप में, अटल पर्यावरण भवन, ये कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ध्रुव आस कहाँ से टेस्ट फायर हुआ? फिर देखते हैं मोदी जी ने एक पुगलर और त्रिशूर के बीच में पावर ट्रांसमिशन लाइन शुरू किया, ये कहाँ कहाँ से? तमिलनाडु और चेन्नई, सॉरी, ये आपको कनेक्ट करेगी तमिलनाडु और केरला को। ये दोबारा रिपीट क्वेश्चन हो गया। इंटरसेप्टर देखिए ओनली इंडियन है ना, जिसे मतलब ट्री सिटी 2020 को ट्री सिटी बोला गया हैदराबाद को, किसने? FAO ने और वर्ल्ड आर्बर डे फाउंडेशन, ठीक है। मोदी जी ने अभी महा बाहु ब्रह्मपुत्र करके एक ब्रिज टाइप का लॉन्च किया है, उसका कहाँ है वो? असम में। धुबरी फुलबारी ब्रिज ये भी असम और मेघालय को कनेक्ट करेगा,
ढुबरी फुलवारी ब्रिज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मनिका बत्रा कहाँ पे जीती, ओलंपिक का हम अलग से बना देंगे। देखिए रामनाथपुरम और थूटीकुडी नेचुरल गैस पाइप में, थूटीकुडी हमें पता है वहाँ पे वायलेंस हुआ था, तो ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। वर्ल्ड पेट्रो कोल कांग्रेस, 11th वर्ल्ड पेट्रो कोल कांग्रेस कहाँ पे हुई, समिट न्यू दिल्ली में। ये किरण बेदी कहाँ थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब किस कंपनी ने लिबरलाइज कर दिया है अपने रेगुलेशन को, जो कि जो स्पेशल डाटा वगैरह पे उसका उसका नाम है इंडिया। और अभी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो उसमें मतलब किसने टॉप किया है, वो है आपकी सिंगापुर, दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जिसमें 20,000 लोग बैठेंगे, वो राउरकेला में बन रहा है, राउरकेला उड़ीसा में। अमेजोन जो है इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइन सेटअप कर रही है, कहाँ पर, चेन्नई में। किस यूटी में ई कुबेर पेमेंट सिस्टम शुरू हो गया है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। देखिए मोदी जी ने जो है फाउंडेशन डाली है किंग सुहेल देव के स्टोन, मेमोरियल स्टोन पे। किंग सुहेल देव बहराइच के बहुत बड़े महान राजा हुए। माँ इसकी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने शुरू की है। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है केरला पहला स्टेट बन गया है। इसके अलावा देखिए सामा लुकोंडे क्यांगे जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। क्यांगे कॉन्गो याद करने का तरीका, देखिए मांडू फेस्टिवल होता है आपके धर्म में। उसके बाद इंडिया यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुई थी, वो हुई थी पोखरण राजस्थान में। और इंडिया का सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर कौन बन गया है, वो है यूनाइटेड स्टेट। पहले नंबर पे आपके इराक है, सेकंड पे यूएस, और थर्ड पे हो गया सऊदी, पहले सऊदी सेकंड पे था। ये इतना बड़ा नहीं है। सिनात्रा डॉक्ट्रिन किससे रिलेटेड, यूरोपियन यूनियन से, वो बेसिकली चाइना को कंटेन करना है, कैसे करना है उसके बाद है। एक रिहैब प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है KYIC ने, कहाँ पर, कोडागु कर्नाटका में। एक कंचोट फेस्टिवल होता है, वो कि नाग से रिलेटेड है, एंशियंट नाग कल्चर, वो चेनाब रीजन, चेनाब वैली जो है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। अभी एक म्यूज़ियम, इनाग्रेट हुआ है, जो कि आर्मी के चीफ जो थे KS थिमैया साहब, उनके ऊपर, ये कहाँ पे, कर्नाटका के रहने वाले, तो कर्नाटका में ही वो म्यूज़ियम बनेगा। देखिए इंडिया का आइकॉनिक नेशनल फ्लैग जो काफ़ी टॉलेस्ट है, वो कहाँ पे है, गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर में, और इंडियन आर्मी ने इसका फाउंडेशन रखा। लेबर मूवमेंट जो है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लॉन्च हुआ वर्ल्ड लेबर मूवमेंट की में हिस्ट्री को दिखाने के लिए, वो एलाफुजा केरला, केरला में जैसे कम्युनिस्ट हैं तो वहाँ पे थोड़ा लेबर मूवमेंट को ज़्यादा लाइक किया जाता है। देखिए IFFI जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था इंडिया का, उसका 51st एडिशन जो है वो कहाँ पे मनाया गया, वो मनाया गया गोवा में श्यामा प्रसाद स्टेडियम में। देखिए CSIR ने जो है एक अपना NIFCPR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, ये शुरू किया है नई दिल्ली में। हरियाणा गवर्नमेंट ने जो एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट हब बनाने की बात की थी, कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में, पीपली में। देखिए इंडिया का ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। 29 दिसंबर को जो है पहला पॉलिनेटर पार्क इंडिया का बना, वो कहाँ पर, हल्द्वानी में, उत्तराखंड में। इंडिया का लार्जेस्ट स्टेडियम मैंने बता दिया आपको, राउरकेला में बन रहा है, 20,000 लोग बैठेंगे उसमें। पहला लेदर पार्क कानपुर में बन रहा है, रमईपुर उत्तर प्रदेश। 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अफगानिस्तान वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर देख लेते हैं। हाँ देखिए 103 करोड़ रुपये, 107 करोड़ रुपये का जो मेगा फूड पार्क बन रहा है, कहाँ पर, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब में। इसके अलावा एक अरुणाचल का टाइगर रिजर्व है, जिसने अपने मतलब एक इंश्योरेंस कवर दिया है ग्रीन शोल्जर्स COVID-19 के अगेंस्ट, वो था पक्के टाइगर रिजर्व, PTR। अभी जो है मध्य प्रदेश का जो है एक टाइगर रिजर्व जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व में लिस्ट में आ गया है, उसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व। अभी कोरल डिस्कवर हुआ, वो पुराना 120 साल, वो ऑस्ट्रेलिया है। देखिए बुमला में जोगिंदर वॉर मेमोरियल इनाग्रेट किया गया है, तो बुमला कहाँ पर है, वह आपके अरुणाचल प्रदेश में। इंडियन आर्मी ने जो है संगम यूथ फेस्टिवल शुरू किया, कहाँ पर, भदेरवा जम्मू एंड कश्मीर। वर्ल्ड
लॉन्गेस्ट हाईवे टनल बनाई है इंडियन आर्मी ने, बीआरओ ने, वो रोहतांग पास में। वीर सावरकर फ्लाईओवर कहाँ पर है? वो है आपके कर्नाटका में। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन रोड भी वहाँ पे बनी है, उसी के ऊपर फ्लाईओवर बना है। देखिए वाईएसआर संपूर्ण पोषण स्कीम, वाईएसआर संपूर्ण पोषण के नाम से आपको पता चल जाएगा ये आंध्र प्रदेश की स्कीम होगी। इसके अलावा ध्यानचंद विद्या पथ योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। इससे जो है इंटरनेशनल प्लेयर जो होंगे उनके रोड कनेक्टिव उनके घर तक पहुँचेगी। ये सारे हो गए प्लेसेस इन न्यूज़। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और थैंक यू।